कहते राजनीति में एक दिन भी बड़ा समय होता है और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बयानों को देखें तो उससे बड़ा उदाहरण कोई और हो नहीं सकता। राजस्थान में इस बार थर्ड फ्रंट का दमखम दिखा रहे आरएलपी के सुप्रीमो बेनीवाल कांग्रेस और भाजपा पर लगातार बराबर हमला बोल रहे हैं, कभी वसुंधरा राजे, कभी अशोक गहलोत और अब सचिन पायलट। जयपुर में छात्र हुंकार रैली में बेनीवाल ने पूर्व डिप्टी सीएम पायलट पर खुलकर सियासी वार किया। बेनीवाल के मुताबिक सचिन की दरअसल कांग्रेस में कोई हैसियत ही नहीं है, उनके कहने से कोई एक कांस्टेबल तक कहीं लग नहीं सकता। ये तमाम आरोप कल बेनीवाल ने लगाए। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सचिन को लोग उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की वजह से ज़्यादा जानते हैं। अब दिलचस्प बात यही है कि यही बेनीवाल थे जिन्होंने चंद दिनों पहले, देखिएगा यही राजनीति और इसका चरित्र, बेनीवाल ने चंद दिनों पहले खुद कहा था कि अगर सचिन उनके साथ आ जाएं तो वे 125 विधानसभा सीटें जीत सकते हैं। अब आपको भी हैरानी होगी जानकर, तो आखिर बेनीवाल का इस बार क्या दाम है राजस्थान में, क्यों वो चुन चुन कर राजस्थान के बड़े सियासी चेहरों पर वार कर रहे हैं, इसी पर हो गया चुनावी चर्चा। हर दिन की तरह मेरे साथ खास राजनीतिक मेहमान मौजूद होंगे दोनों पक्षों की ओर से और राजस्थान की सियासत को करीब से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषक राकेश वर्मा भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं तीनों मेहमानों का और रुख करना चाहूँगा। और तो पूरे इस मुद्दे पर आज एक बार फिर हम चुनावी चर्चा हाजिर हैं लेकर। राजस्थान में जो गरमा रही है सियासत इस वक्त पे, चंद दिनों बाद अब टिकटों का ऐलान होगा सभी पार्टियों की तरफ से और फिर चुनाव शुरू होंगे और अगले महीने यानी अक्टूबर में शुरुआती दिनों में बताया जा रहा है कि आचार संहिता लग सकती है। और ये जो पूरा का पूरा चुनावी या सियासी परिदृश्य है राजस्थान में और लगातार गर्माते जाएगा। तो इसी बेनीवाल से जुड़े तमाम मुद्दे पर, जिस तरह से बेनीवाल खासतौर पर इसलिए इस बार राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में एक अहम चेहरा माने जा रहे हैं क्योंकि वो बतौर थर्ड फ्रंट, जो कि राजस्थान में लंबे समय से जनता पार्टी के दौर से अगर बात करें तो उस वक्त के बाद से कोई इस तरह का थर्ड फ्रंट कोई उभर नहीं पाया राजस्थान की पॉलिटिक्स में। हर बार कांग्रेस और बीजेपी के पाले में गेंद जाती है। और आरएलपी के प्रवक्ता शंकर लाल हमारे साथ इस वक्त पे जुड़ चुके हैं, वो लाइनअप हैं, उनसे हम जानेंगे किस तरह से आरएलपी का क्या दाव है इस बार इस चुनाव में और उनके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जो राजस्थान से लेकर और दिल्ली तक लगातार कांग्रेस हो या भाजपा, स्थानीय नेतृत्व हो या केंद्रीय नेतृत्व, दोनों पार्टियों के दोनों पर हमला बोल रहे हैं। पहले एक ज़माने में उनका जाहिर तौर पर जो राजस्थान की राजनीति को समझते हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि उन्होंने वसुंधरा राजे का साथ दिया था हनुमान, जब नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रीय फलक पर उभर रहे थे बतौर प्रधानमंत्री के दावेदार, तो वे बीजेपी के साथ थे। उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में भी रहे, फिर उन्होंने गठबंधन अलग कर लिया, फिर लगातार सियासी दाव पे चलते रहे। और जब 2020 की बारी आई, सचिन पायलट ने जब कांग्रेस से बगावत की तो बताया जाता है कि पर्दे के पीछे उन्होंने सचिन पायलट से डील की थी और ये डील ये थी कि सचिन को वो सीएम के तौर पर समर्थन दे रहे थे बेनीवाल, ये खुले तौर पर बेनीवाल कह चुके हैं। और अब जब काफ़ी पानी बह चुका है इस सियासी दरिया में तो बेनीवाल अब कह रहे हैं कि सचिन की राजनीतिक असल कोई हैसियत ही नहीं है राजस्थान में, वो अपने पिता की वजह से राजनीति में जो कुछ उनका अस्तित्व है वो उन्हीं की वजह से है, ये सब बेनीवाल के आरोप हैं। तो मैं आरएलपी के प्रवक्ता से जानना चाहूँगा, शंकर जी पहले कहते थे कि सचिन अगर साथ, और पहले बहुत पहले की बात नहीं है, दरअसल ये चंद दिनों पहले की बात है जब आपके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कहा था कि सचिन पायलट अगर उनके साथ आ जाएं तो राजस्थान विधानसभा में वो 125 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन अब कल उन्होंने जयपुर में कहा है कि राजनीतिक हैसियत ही नहीं रखते हैं सचिन, तो ये विरोधाभास कैसा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कल जो बात कही वो इसलिए कही कि सचिन पायलट जी ने अभी थोड़े दिनों पहले एक जनसंपर्क पैदल यात्रा निकाली थी अजमेर से, वो जयपुर पधारे थे और बीच रास्ते में दूदू में उन्होंने एक मीटिंग करी, मीटिंग में उन्होंने एक भाषण दिया था कि लाखों जवानों के पेरे के जो छालों पड़ गए हैं उनकी कसम खाकर मैं कहता हूं कि कभी भी युवाओं के ऊपर किसी प्रकार का उनके अधिकारों का हनन होगा तो सबसे पहले सचिन पायलट साहब बोलेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार के छात्र हितों को कुठाराघात किया है और छात्र संघ चुनाव जो बंद किए, सबसे पहले सचिन पायलट साहब को बोलना चाहिए था,
लेकिन सचिन पायलट साहब नहीं बोल पाए, अब ये क्यों नहीं बोल पाए? और दूसरी बात, आप जो कह रहे हो कि सचिन पायलट साहब के लिए बोला था बेनीवाल जी ने कि हम दोनों साथ आते हैं तो 120 सीट जीत सकते हैं, तो आपको पता होगा कि जब पहली बार विधानसभा चुनाव 2018 हुआ और उसमें जब सीएम की कुर्सी की लड़ाई आई सामने, सचिन पायलट साहब कह रहे थे कि मैं सीएम बनूं, गहलोत साहब कह रहे थे मैं सीएम बनूं, लेकिन उस टाइम पहली बार अगर किसी पार्टी ने खुला समर्थन किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया था, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने खुले में कहा था कि कांग्रेस अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उनका पूर्ण रूप से समर्थन करती है। उसके बाद में फिर दोबारा जब सचिन पायलट साहब कांग्रेस से, सचिन पायलट सही अशोक गहलोत जी से बगावत करके जब मानेसर अपने 19 विधायकों के साथ गए थे होटल में, तब पहली बार वहां जब बात हुई ऊपर नेताओं से, तो हमारे सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी ने पूछा कि हम जो ये व्यवस्था कर रहे हैं, आप इकट्ठे हो गए हो, इसमें अगर सीएम किसको बनाओगे? तो सचिन पायलट जी के लिए पहली बार हनुमान बेनीवाल जी ने कहा था कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, अगर आप सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाते हो तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपका समर्थन करेगी, वरना और किसी के लिए समर्थन नहीं करेगी। तो सचिन पायलट के लिए हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तो उनका समर्थन किया है और सुप्रीमो ने हमेशा उनका समर्थन किया है। कल ये सिर्फ युवाओं के लिए बोला उन्होंने कि युवाओं के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, और जो सचिन पायलट साहब युवाओं की बात करते हैं, और फिर आज वो कहां चले गए? क्यों, जो भी युवा जो नेतृत्व आता है वो छात्र चुनाव से आता है, छात्र राजनीति से युवा आते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में और राजस्थान में ऐसे कई कैबिनेट मंत्री हैं जो छात्र राजनीति से आए हैं, कई विधायक हैं, और सेंटर में भी ऐसे कई मंत्री और विधायक हैं, सांसद हैं, जो छात्र राजनीति से आगे आए हैं। तो उन्होंने यही बात कही कि छात्रों के ये चुनाव सरकार को करानी चाहिए, और इसके लिए सचिन पायलट साहब चुप क्यों है? बोलना चाहिए। जब उन्होंने बोला था कि मैं युवाओं के कसम खा कहता हूँ, लाखों युवाओं की झूठी कसम खाई, इस संदर्भ में उन्होंने कुछ बोला होगा, और ऐसी कोई बात नहीं। जी जी, हम हमारे साथ हम कोशिश करें कि प्रदीप चतुर्वेदी जो है कांग्रेस की ओर से भी पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद, तो जल्दी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं इस बीच में राकेश जी आपके पास आना चाहूँगा। आपने सुना शंकरलाल नरोलिया जी को, जिस तरह से वो बचाव कर रहे हैं अपना, कि दरअसल जो है जिस भी तरह से पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हैं वो बेनीवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो दूसरे नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो उन्होंने जब भी उनके साथ में वादे किए और जिस तरह के दावे उन्होंने किए वो कभी उन पर खरे नहीं उतरे, हनुमान बेनीवाल तो अपने स्टैंड पर हमेशा खरे रहते हैं। मेरा सवाल आपसे राकेश जी ये है, आप काफ़ी करीब से सियासत को देखते हैं राजस्थान में, कि बेनीवाल को अगर देखें, उनके राजनीतिक इतिहास को देखें, तो पहले भाजपा, फिर कांग्रेस, और मतलब नेता का भी नाम लें तो वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, और अब सचिन पायलट, वो सिलसिलेवार ढंग से तमाम बड़े नेताओं को निशाना बना रहे हैं। क्या रणनीति आप बेनीवाल की इस वक्त पे देख रहे हैं? क्या वाकई वो एक कोई थर्ड फ्रंट को क्यूरेट करने में लगे हैं, या इतनी कैपेसिटी में वो हैं इस वक्त पे, क्योंकि वो उस जाट लैंड से आते हैं और जाटों का बड़ा वर्चस्व है राजस्थान की राजनीति में, किस रणनीति पर काम कर रहे हैं बेनीवाल? नहीं देखिए मनीष जी, हनुमान बेनीवाल पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव, उनकी जो लोकतांत्रिक पार्टी है वो 3 सीटें लेकर के जी एक बढ़िया स्थिति में राजस्थान में उसने उपस्थिति दर्ज कराई थी जी। 3 उन्होंने सीटें मिली, 2 पे वो दूसरे नंबर पे रहे, और लगभग लगभग 18 सीटें ऐसी थी जहां उनके लोगों ने 15,000 से ज्यादा वोट लिए जी। 4 ऐसी थी जिनमें लगभग 45,000-46,000 वोट लिए। तो मोटे मोटे रूप से देखें तो बसपा के अलावा हनुमान बेनीवाल ने जाट समाज के वोटों के आधार पे एक अपनी ऐसी स्थिति, मजबूत स्थिति बनाई है कि वो अगर चाहें अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो 10,000 वोट जहां जहां जाट मतदाता हैं वहां वो ले जाएंगे जी। अभी जो सचिन पायलट को लेकर के वो बयान कभी कुछ दे रहे हैं कभी कुछ दे रहे हैं, तो उसको हमको यूं देखना चाहिए कि वो अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं जी। 3 महीने बचे हैं चुनाव को। पहले उन्हें लगता था कि सचिन पायलट वाकई में कांग्रेस से बाहर जाकर के और इस चुनाव में अपना कुछ ना कुछ भूमिका अदा करेंगे, तब उन्हें लगता था कि सचिन पायलट के साथ में 4% जो गुजर वोट है वो आएंगे और हमारा मतदाता और उनका मतदाता मिलकर के एक ठीक ठीक सी पोजीशन में, हम थर्ड फ्रंट की पोजीशन में आएंगे।
जी लेकिन अब 3 महीने बचे हैं, उनको लगने लगा है कि सचिन पायलट कांग्रेस से बाहर जाने वाले नहीं है। नहीं है अब वो दोबारा से पोजीशनिंग कर रहे हैं अपनी, क्योंकि उन्होंने जो है 1.5 साल तक जी, शायद राकेश जी शायद आपकी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इस बीच अब वो अपने मतदाताओं को ये संदेश दे रहे हैं कि नहीं, अब ये सचिन पायलट के साथ में हमारी पटरी नहीं बैठने वाली है। जी जी जाहिर तौर पर वो मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सीधा संदेश है उनका बड़े नेताओं के पर हमले के जरिए कि जो पहले उनकी स्ट्रेटजी थी कि हो सकता है कि सचिन गुट को मिला लें, सचिन पार्टी छोड़ दें और जो है वो एक अरेंजमेंट कर लें ताकि किसी तरह से एक थर्ड फ्रंट या एक दूसरी पार्टी को अस्तित्व में ला सके, जो जो कांग्रेस ने खुद। जी जी इसमें एक और पक्ष है जी, ये देखिए कि राजस्थान में 1998 तक राजस्थान का एक जाट समुदाय में एक वर्ग विशेष ऐसा है जो भैरव सिंह जी को अपना जो है राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानकर चलता था जी। लेकिन भैरव सिंह जी के यहाँ से जाने के बाद में वही जाट समाज एक एक तबका उसने भैरव सिंह जी को रिप्लेस कर लिया अशोक गहलोत जी से जी। तो हनुमान बेनीवाल को मालूम है कि एक ऐसा वर्ग जाटों में है जो कि मैं जितना अशोक गहलोत जी के विषय में बोलूंगा उतना वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल होगा जी जी। और सचिन पायलट जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ में बहुत युवा जाट जो कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं वो नेता साथ सचिन पायलट खेमे में शामिल हुए थे जा, याद है मुझे तो भी, जी जी। अभी हनुमान बेनीवाल का लक्ष्य वो जाट नेता युवा नेता भी है, उनको वापस खींचने का है और शायद कुछ कुछ गुर्जर नेता भी बताए जा रहे हैं कि जो उनको वो अपनी ओर भी आकर्षित करना चाहते, तो जाट गुर्जर कॉम्बिनेशन की वो देख रहे हैं शायद। जी राकेश जी मैं आप ही से आखिरी जवाब चाह रहा था कि एक जो जाट जी, गुर्जर जी, क्या? हाँ जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं प्रदीप चतुर्वेदी जी। प्रदीप जी आपसे संपर्क थोड़ा देर से हो पाया, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बेनीवाल को लेकर बात हो रही है आज राजस्थान की चुनावी चर्चा में, लगातार आपके नेताओं पर बड़े नेताओं पर वो हमला बोल रहे हैं। पहले कुछ साल पहले जब 3 साल पहले जब कोरोना काल में सचिन पायलट की जब बगावत हुई थी तो बताया जा रहा था कि मतलब जैसा आपका दावा कि वो भाजपा के पाले में शामिल होने जा रहे थे उस वक्त पे, सचिन 19 विधायक उनके साथ थे, तब बेनीवाल ने उनका समर्थन किया था और अब बेनीवाल जो है सचिन पायलट को तो निशाना बना ही रहे हैं, आपके तमाम पार्टी नेतृत्व को भी निशाना बना रहे हैं कि राजस्थान में जिस तरह से सरकार में बद से बदतर हालात हैं, किस तरह से आप बेनीवाल को खतरा मानती है कांग्रेस अपने लिए, क्योंकि जाट समुदाय के एक बड़े नेता हैं इस वक्त पे। मनीष जी नमस्कार, पहले मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और साथ साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी है जी, थोड़ा संशोधन कर लें जी। इसके साथ साथ जो बात आपने कही है उसका संदर्भ में अगर लूं तो मानता हूं कि नागौर की बेल्ट में हनुमान बेनीवाल अपना कुछ प्रभाव रखते हैं, लेकिन अगर पूर्व में देखा जाए तो राजस्थान में यही दो नेता है, किरोड़ी लाल मीणा जो मीणा समुदाय से आते हैं और एक हनुमान बेनीवाल है जाट समुदाय से आते हैं, ये दोनों अपनी स्वच्छंद राजनीति के लिए जाने जाते हैं। आज से पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में 2019 के चुनाव में लोकसभा में इन्होंने बीजेपी के साथ अपना समझौता करके अपना सामंजस्य बिठाया और वो सांसद बने, पर सवाल यह है कि राजस्थान में जिस तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसमें ये बात सभी जानते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने की पार्टी है और प्रमुख पार्टियां हैं जिनका अपना दोनों का बेस है। सवाल यह है कि ये दोनों नेता अपने प्रभाव का राजनीतिक परीक्षण कर चुके हैं, पहले किरोड़ीलाल मीणा जी किया जो सवाईमाधोपुर बेल्ट से आते थे, उन्होंने प्रयोग किया जी। और उन्होंने थक हार कर 3 MLA अपने विधानसभा में मिले जिसका वो अनुमान कर रहे थे कि सरकार बनाने की स्थिति में, यही भ्रम हनुमान बेनीवाल भी पाले हुए। अब सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी में विभाजन की कोई कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी तो उसमें वो उन्होंने अपना प्रयास किया और राजनीति पार्टी करती है और भाजपा का जो जो नेचर है जिस तरह की राजनीति करते हैं
वो अगर चुनाव में नहीं जीतते हैं तो पार्टियों को तोड़ फोड़ कर अपनी सरकार में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सत्ता के आने के बाद से शुरू किया है। तो जिस तरह का माहौल किया गया, सचिन पायलट के बारे में जो बात कही, सचिन पायलट जी ने कभी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, कांग्रेस नेताओं ने कभी नहीं कहा वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और आप देखिए कि सब कुछ होते हुए भी जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया और उसमें असफल हुए, असफल होने का ये बना कि अल्टीमेटली केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस षड्यंत्र में शामिल थे। लेकिन जब राजस्थान में टूट फूट नहीं हो पाई, सचिन पायलट को मैनेज नहीं कर पाए, हमारी पार्टी को तोड़ने का जो उन्होंने प्रयास किया सफल नहीं हो पाए, तो ये आज आप उसका परिणाम देख रहे हैं कि हमारी पार्टी एक है। जब ये सभी नेता इस द्वंद में थे कि कांग्रेस में फूट होगी, कांग्रेस बिखरेगी, लेकिन हमारे खड़गे जी के चुनाव में जीतने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह का सामंजस्य उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्तर बिठाया है, उससे पार्टी एक बार उन्हें एक फॉर्मेटेबल सेटअप में आ गई है, कांग्रेस एक हो गई है और सारी कांग्रेस के नेता मिलजुल कर कांग्रेस को इस चुनाव में। ये बड़ी दिलचस्प बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस एक हो गई है प्रदीप जी, लेकिन पिछले 5 सालों में अगर देखें तो कांग्रेस सिमट सिमट कर बिखरती रही है और बिखर बिखर कर सिमटती रही है पिछले 5 सालों में। तो मैं दोबारा आपके पास में आऊँगा, मैं वापस शंकर जी के पास जाऊँगा जो आरएलपी के प्रवक्ता हैं। शंकर जी, जिस तरह से आपने प्रवक्ता कांग्रेस को भी सुना और हमारे एक्सपर्ट को भी सुना, बेनीवाल कह रहे हैं कि 20 साल से सत्ता मेरे पीछे भागती रही है और मैं आगे आगे भागते रहा हूं, इस बार क्या 20 साल बाद वो कुर्सी पर टिककर बैठ जाएंगे? देखो हनुमान जी, बेनीवाल साहब का एक अलग राजनीति है उनकी, वो हमेशा संघर्ष करते हैं और युवाओं के लिए, किसानों के लिए, 37 कौम के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। किसी भी समाज के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, कोई भी परिस्थितियां आती है, तो सबसे पहले हनुमान बेनीवाल उनके संघर्ष में उनको न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले संघर्ष करते हैं। और हनुमान बेनीवाल ने कभी पद के पीछे कभी नहीं भागा। आपने देखा होगा कि पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए बोला कि वसुंधरा जी भ्रष्टाचार की देवी है, और ये बात उनके पची नहीं और उन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया। और फिर उन्होंने अपने मुद्दे के ऊपर निर्दलीय चुनाव लड़ा और वहां पर जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो मोदी जी और सारे इनके बड़े बड़े नेता हर जगह मीटिंगें करी, लेकिन फिर भी हनुमान बेनीवाल जी 35,000 वोटों से जीत के आए। और आपने देखा होगा कि राजस्थान में किसी भी प्रकार युवाओं की बात हो, और जब एनडीए ने जब हमारे साथ गठबंधन किया और नागौर की सीट हनुमान बेनीवाल जी के लिए छोड़ी और उनको यह तय हुआ सेंटर में कि आप आरएलपी को विलय कर लीजिए, हम आपको कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि मैं किसान का बेटा हूं। पहली बार राजस्थान में थर्ड फ्रंट और तीसरी कोई पार्टी बनी है और स्थानीय कोई पार्टी बनी है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी है। मैं अपनी पार्टी का विलय कभी भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं मंत्री, मेरी मंत्री बनने की मेरी इच्छा नहीं है, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं संघर्ष का आदी हूं, मैं संघर्ष करूंगा और जहां भी मेरी जनता को, राजस्थान की जनता को मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं 1 मिनट में सांसद का पद में छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये बात तक उन्होंने कही है। और आपने पिछले भी देखा होगा कि जब एनडीए के साथ में हम साथ में गठबंधन में थे और जब मोदी सरकार किसानों के खिलाफ काले कानून 3 लेके आई तो पहली बार पूरे देश में कोई सांसद किसानों के साथ में सड़क के ऊपर जाकर बैठा तो हनुमान बेनीवाल था। नहीं, लेकिन तो ये आरोप बड़ा बेनीवाल पर लगता है कि वो बड़ा काफी कन्वीनियंटली अपनी पॉलिटिक्स को हैंडल करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब वो बीजेपी या कांग्रेस जैसी जो पावर इनकम्बेंट सरकार होती है उसके साथ अरेंजमेंट कर लेते हैं और अपनी सीट पर जो चुनाव लड़ लेते हैं और चाहे वो फौरी तौर पर किसी भी सरकार के साथ शामिल होना हो जाते हैं और फिर संघर्ष की राजनीति शुरू कर देते हैं अगले चुनावों के लिए, है ना। जैसा आपने कहा कि उनकी व्यक्तित्व संघर्ष वाला है, मैं दोबारा आपके पास में आऊँगा, मैं राकेश जी का रुख करना चाहूँगा। राकेश जी, आपने सुना शंकर बोल रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व ही संघर्ष वाला है, तो क्या इस बार भी जो है आरएलपी एक संघर्ष वाली पार्टी बनकर रह जाएगी या वाकई में एक थर्ड फ्रंट पोस्ट कर सकते हैं बेनीवाल? क्योंकि पिछली बार जो 57 सीटों पर चुनाव लड़ा तो 3 जीते थे, इस बार दावा कर रहे हैं कि मैं सारी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। नहीं देखिए, संघर्ष में तो वो है ना, अभी एक नया संघर्ष उनके सामने खड़ा हो गया है, वो है नागौर से सांसद। जी, मैं उस पर भी आना चाह रहा था जी। अब नागौर में भाजपा पे सवार हो गया, कि नाव पे सवार हो गया मिर्धा परिवार,
जी तो नागौर अब उनके लिए उतनी आसाद नहीं है जितनी पिछली पहले बार हुआ थी। करती थी। जी अब उनके पास में संघर्ष है एक नई कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढना, तो संभवतया वो जोधपुर की तरफ रुख करेंगे मैंने ये इनकी आयात में ऐसा लगता है। संघर्ष जो है वो दूसरा जो है संघर्ष उनके विधानसभा का भी है। विधानसभा में उनको अब की बार 2 सीटों से चुनाव लड़ना पड़ता दिख रहा है। जी हाँ यह बात जरूर है कि हनुमान बेनीवाल, मैंने पहले भी कहा हनुमान बेनीवाल का जो पिछला परफॉर्मेंस है वो पार्टी का नहीं कह के हम यूं कहेंगे कि जाट समुदाय की अपनी तासीर है। वो जहां जहां उम्मीदवार उतारेंगे जी चाट बेल्ट में वहां 5,000 से लेकर और 20,000 वोटों तक उनका उम्मीदवार ले जाएगा। तो मतलब एक बड़ी बड़ी तो वोट तोड़ू या वोट कटाऊ पार्टी साबित हो सकते हैं बेनीवाल इस चुनाव में, और काफ़ी दूसरी बड़ी पार्टियों के गणित वो बिगाड़ सकते हैं। राकेश जी आपने एक बड़ा अहम बिंदु शामिल किया कि खुद की जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, उनको भी वो रिविजिट करना पड़ेगा, खासतौर पर अभी ज्योतिमर्दा मिर्धा फैमिली के, बीजेपी के साथ में, अब अलीजेंस के साथ में उनको संघर्ष करना पड़ सकता है। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये भी उभर कर आ रहा है राकेश जी, अगर राजस्थान में पिछले 3-4 दशकों का चुनाव देखें तो वहाँ पर थर्ड फ्रंट के नाम पर कुछ है नहीं, निर्दलीय थर्ड फ्रंट है जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस बीजेपी के पास जो सबसे ज़्यादा लोग जीतते हैं टिकटों पर वो निर्दलीय जीतते हैं, तो वही थर्ड फ्रंट है। तो क्या इस बार ऐसे चेहरों को नज़र रखते हुए हनुमान बेनीवाल इन 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 ऐसे तमाम बागियों को कैटर करते हुए क्या वाकई एक इस तरह का अरेंजमेंट खड़ा कर सकते हैं राजस्थान में पहली बार? नहीं मनीष जी, इसको देखिए कि जो पिछले 3-4 चुनावों से आप देखेंगे तो ऐसा फ्रंट अगर कभी बनना है तो वो फ्रंट ये फ्रंट नहीं होंगे। राजस्थान में संभावना है केवल बसपा या दलित आइडियोलॉजी की किसी पार्टी की। आप देखिए 3-4 पिछले चुनावों में बसपा जी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो चुनाव लड़ती है और 6, 5, 6, 7 सीटें लेकर के आती है। तो बसपा अपने आप में एक पोटेंशियल वाली पार्टी है। हनुमान बेनीवाल जो है वो वोट कटआउट हो जाएंगे। अब वो वोट कांग्रेस के काटेंगे, बीजेपी के काटेंगे, वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जी वो उनके उम्मीदवार 5, 5, 6, 6 हजार, 2, 2 हजार, 4, 4 हजार वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ले जाएंगे जहां वो खड़ा करेंगे। जी प्रदीप जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, समय का थोड़ा अभाव है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा कांग्रेस पर, क्योंकि कांग्रेस में आपकी सरकार है राजस्थान में, इस तरह के आप राहतों की तो बौछार कर रहे हैं, लेकिन आप पर जो चुनावी हमला ना सिर्फ बेनीवाल बल्कि भाजपा की ओर से भी इस वक्त पे, वो आप कर करप्शन और महिला अपराधों को लेकर है। जो एनसीआरबी के भी डेटा अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में राजस्थान पीछे छोड़ते जा रहा है दूसरे राज्यों को। ये बड़ा मुद्दा है चुनावी जो तमाम पार्टियां आपके खिलाफ उठा रही हैं, और हनुमान बेनीवाल भी इसको मुद्दा बना रहे हैं आपके खिलाफ, और ना सिर्फ आपके नेताओं पर, बड़े नेताओं पर हमला बोल रहे हैं बल्कि आपकी कार्यप्रणाली पर भी। तो आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल अपने आप में, बीजेपी तो आपका ऑपोजिशन है ही, लेकिन हनुमान बेनीवाल भी आपके लिए बड़ा सिरदर्द साबित होंगे, क्योंकि जाट गणित तो बड़ा सत्ता का रवैया तय करता है राजस्थान में। मनीष जी आपने मुझसे दो सवाल पूछे हैं। पहला सवाल मैं बात करूंगा हनुमान बेनीवाल जी। हनुमान बेनीवाल जी एक लोकप्रिय नेता हो सकते हैं लेकिन वो लोकप्रिय पार्टी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो चरित्र है, उनकी जो राजनीति है वो व्यक्तिवाद की है। आप समझे कि मीणा जी अब बात करें, दोनों मिलता हूँ बात करें तो वो नहीं, हम हनुमान बेनीवाल तक ही सीमित रहे, आप जल्दी संक्षिप्त में अपना जवाब खत्म कीजिएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कांग्रेस जहां तक बात है, कांग्रेस ने अपना काम पूरा कर लिया है और हनुमान बेनीवाल किसी भी कीमत पर कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहते हैं, उसका दबाव बनाने का प्रयास है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अकेले के दम पर 200 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने राजनीतिक शक्तियों को फहराया है कि 200 पे लड़ेंगे, वो 57 पे लड़े, 3 में जीते। तो सवाल यह है कि उनके पास ना तो संसाधन है ना उनकी शक्ति है, इसलिए कांग्रेस पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उन्हें सहयोगी बनाकर उनके सत्ता का सत्ता जो है ठीक बांटे। है ठीक तो है, आपका कहना है कि बेनीवाल दबाव की राजनीति पर कर रहे हैं, लेकिन बेनीवाल के जो खुद खुद उनकी पार्टी के वो कह रहे हैं कि हमारा जो है संघर्ष है, हम जनता की संघर्ष को उठाते हैं और उसी के प्रतीक है हनुमान बेनीवाल। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, राकेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शंकर जी और प्रतीक चतुर्वेदी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान की सियासत का एक और पहलू जो थर्ड फ्रंट के रूप में अक्सर सामने आता है, हर बार बात चलती थर्ड फ्रंट बनेगा, लेकिन थर्ड फ्रंट किसी भी नतीजों में
कहीं पर भी परिलक्षित या फिर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। और हनुमान बेनीवाल इस पर दमखम ठोक रहे हैं कि वो थर्ड फ्रंट बनकर सरकार ही बना सकते हैं। तो आज की चुनावी चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।